हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल गजब बनारस पे। तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं दशाश्वमेध घाट के पास और यहाँ पे बन के तैयार है दशाश्वमेध भवन और यहाँ का हम नाइट व्यू आपको दिखाने लाए हैं कि शाम के वक्त जो यहाँ पे रोशनी की गई है वो क्या है और लोगों की भीड़ देखिए। एक वीडियो हमने यहाँ के दिन की भी डाली हुई है तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको आइए नाइट व्यू दिखाते हैं, आपको अंदर भी ले चल के दिखाएंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ अंदर है। इसी के साथ देखिए कि यहाँ पर और ये जो आप जगह देख पा रहे हैं दीवार के सामने, अभी एक नया सेल्फी पॉइंट बनने जा रहा है, बन चुका है। आपको इधर से घोड़े दिखाई देंगे, लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और अपने टाइम को एक्सपेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे बैठने के लिए जो है ब्रेंच लगाया गया है स्टील का, आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे आए लोग उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी प्रॉपर यहाँ पे की गई है। और खूबसूरती बढ़ाने के लिए इन गमलों को भी रखा गया है। और ये देखिए जो लाइटिंग है यहाँ पर, ये जो पिलर्स में जो लाइट्स लगाई गई हैं बेहद ख़ास हैं। और ये देखिए ऊपर से ये पिलर जो है, देखिए दुल्हन की तरह इसे भवन को सजाया गया है तो इसकी एक अलग ही चमक है, रौनक है। 28.69 करोड़ यानी कि लगभग 29 करोड़ की लागत से ये भवन बनके तैयार हुआ है। और आपको बता दें कि जहां बना हुआ है यहां पे पहले साइकिल स्टैंड हुआ करती थी और इस भवन में कुल 140 दुकानें हैं छोटी बड़ी मिलाकर। और इन दुकानों में आपको मिलेगा ढेर सारा बनारसी अंदाज। ये देखिए कि ये रेड कारपेट बिछाया गया है, बिछाया गया था यहाँ पे उद्घाटन के शुभ अवसर पर, तो ये बहुत ही शानदार लग रहा है रेड कारपेट यहाँ पे। देखिए और ये देखिए यहाँ पे इसका ये एंट्री गेट है, क्योंकि ये इस भवन का दो एंट्री गेट है, एक दशाश्वमेध घाट की तरफ और एक शीतला माता के घाट की तरफ जो रास्ता जाता है उस तरफ। और ये जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं जिधर हम आपको दिखा रहे हैं, इधर से आप अंदर चले जाएंगे, ये जो बगल में आप देख पा रहे हैं ये है इलेक्ट्रिक सीढ़ी। तो अंदर की तरफ भी चलेंगे और दिखाएँगे कि क्या कुछ अंदर है। और यहाँ देखिए कि इसके नीचे अंडरग्राउंड की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे पेड़ भी लगाए गए हैं और नीचे छोटी छोटी दुकानें हैं और ऊपर जो है आपको बड़ी बड़ी दुकानें देखने को मिलेंगी। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर कैसी दुकानें यहाँ पे बनाई गई हैं। इस तरीके की दुकानें हैं यहाँ पर, आप देखिए कि यहाँ पर बनाई गई हैं। अभी थोड़ा बहुत काम यहाँ पर बाकी है, ये आपको बहुत बड़ा एक जनसेट आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए। और ये आपको दिख रहा है कंट्रोलर और यहाँ से हम एक व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि अंदर क्या कुछ है। देखिए देखिए इसी तरह की ये दुकानें यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। देखिए और अंदर का हम एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं नाइट व्यू। देखिए ये दुकानें हैं यहाँ पे। देखिए हमने बताया था आपको कि दो एंट्री गेट हैं और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये गोदौलिया से चला जाएगा सीधे शीतला घाट की तरफ और दशाश्वमेध वाले की तरफ से तुम आए ही हैं। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और इधर हम चल रहे हैं। ये जो शॉप्स हैं यहाँ पे, ये जो दुकानें हैं, क्योंकि यहाँ पे बनारस में जब आप आएंगे तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर घाट के किनारे ही ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है दशाश्वमेध घाट के किनारे। और यहाँ पे आपको बनारसी पान से लेके कचौड़ी, जलेबी, मलइयों
और बनारसी साड़ी, बनारसी अंदाज आपको देखने को मिलेगा। तो एक छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली हैं। देखिए, तो आइए हम अब एक फ्लोर ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर की तरफ का क्या नज़ारा है। तो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, यहाँ से ये जो है पूरा कैंपस आपको हम दिखा रहे हैं, फुली एसी रहने वाला ये कैंपस। यहाँ आपको सेंसर लगा हुआ है इन दरवाज़ों के बीच में, देखिए। और हम अब चले आए हैं इस साइड में। देखिए, यहाँ पे आग लगने की परिस्थिति में भी जो बचाव के उपाय हैं वो यहाँ पे किए गए हैं। और ये सामने से हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी। नीचे भी बहुत रौनक है, रोशनी की गई है। जो रेड कारपेट यहाँ बिछाया गया है वो भी आपको बहुत शानदार दिखेगा। देखिए यहाँ से, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर कूलर की भी व्यवस्था है। जब आप आए यहाँ पे तो पानी पीने की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए भी व्यवस्था की गई है पानी की। आइए आपको थोड़ा और दिखाते हैं। देखिए नीचे का जो आपको व्यू दिखा पा रहे हैं, ये अंदर जो है दुकानें हैं यहाँ पे। देखिए ये ग्राउंड फ्लोर की दुकानें हैं यहाँ पे, और इन पे नंबरिंग भी है, L128, L129 इस तरीके की। और आपको बता दें चलें कि यहाँ भी एक दरवाज़ा बनाया गया है जो कि सेंसर से लगा हुआ है, और यहाँ से भी आप बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो हम यहीं से बाहर चलेंगे। तो हम इन्हीं सीढ़ियों से बाहर की तरफ चल रहे हैं। और दोस्तों हमने इस भवन का टूर कराया और नाइट व्यू भी दिखाया, तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। आप देखिए लोगों की भीड़ यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है। तो दोस्तों हमने आपको कराया दशाश्वमेध भवन का नाइट व्यू और यहाँ का फुल टूर। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम इसी तरह की और वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।